नमस्कार, मैं सियाजी और आप देख रहे हैं दैट टेक्निकल ट्रेड मैन। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बेड में हम ट्रॉली बनाते हैं, जो बड़ा ड्रॉवर बनाते हैं इस तरह का, उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें है वो कई बार बहुत लोग है वो गलती कर देते हैं और उसका बाद में खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो इसमें है वो सबसे पहला ढांचा है वो पूरा देख लेते हैं। इस तरह से मैंने ढांचा बनाया, बीच में सपोर्ट डाला है, वो डबल सपोर्ट है, तो इस तरह से डबल ही डालें, सिंगल सपोर्ट ना डालें। इसको अच्छे से मजबूत बनाएं ताकि बाद में कोई अपने को दिक्कत ना आए। इस तरह से जो अंदर का और पूरा ये अभी आप ढांचा देख रहे हैं, आगे में जो इसके बारे में है वो और बातें आपको बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो वाली। ये जो व्हील साइड में लगे हैं सब चीज़ें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए आगे का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जो बेड में हम ट्रॉली बनाते हैं, जो बड़ा ड्रॉवर बनाते हैं इस तरह का, उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें है वो कई बार बहुत लोग है वो गलती कर देते हैं और उसका बाद में खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो इसमें है वो सबसे पहला जो काम हमको करना है, ट्रॉली का जो ये हेड जो माथा लगाते हैं इसमें स्क्रूइंग जरूर करें। देखें इस तरह से ये जो है स्क्रूइंग ये वाली की हुई है, तो ये स्क्रूइंग इसमें जरूर करें ताकि माथा जब जाके लगेगा तो ये यहाँ से खुले नहीं। ये सबसे पहले सबसे बड़ी बात इसमें सावधानी रखने वाली है। फिर दूसरा जो इसमें है जो व्हील लगाते हैं, नीचे तो हम इसमें व्हील लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये जो साइड व्हील है ये लगाते हैं। देखिए एक व्हील है ये वाला लगा दिया, यहाँ से आधा इंची जगह, आधा पौना इंच जगह छोड़ के हम इसको लगा सकते हैं आराम से। और जो दूसरा व्हील है वो यहाँ पे देखिए अंदर में वही इतना जगह छोड़ के हम एक इंच जगह छोड़ के, आधा इंच जगह छोड़ के, जैसा भी अपना स्पेस हो वो लगा दे। और इसको जब लगाना है तो जो ये दूसरा इस पे ट्रॉली पे व्हील लगा है, ये वाला और वो वाला है वो बिल्कुल, अगर ये जैसे मैंने थ्री व्हील लगाए हैं, अगर आप टू व्हील या सिंगल व्हील लगाते तो इसमें आधा इंच ही है वो ये वाला जो है ये वाला ऊपर होना चाहिए और ये वाला जो है ये वाला नीचे होना चाहिए, ताकि अब जब हम इसमें अंदर में डालेंगे इस तरह से ये जब जाएगा तो आपस में ये देखिए ऊपर इतना है, तो इसको हम यहाँ से उठा के आराम से अंदर डाल देंगे इस तरह से, तो ये अंदर चला जाएगा। इसमें ये चीज़ देखने वाली है, बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि ऊपर की तरफ टच हो, तो इतना हम इसमें ऊपर नीचे करके लगा देंगे, तो जब इसको अंदर डाल के वापस खोलेंगे तो ये वाला आके यहाँ पे इसको टच हो जाएगा, तो ट्रॉली बाहर भी नहीं निकल पाएगी और बिल्कुल यहीं पे रुक जाएगी, और जब जरूरत होगी तो थोड़ा सा उठा के इसको निकाल लेंगे। इसमें सपोर्ट है वो भी पूरी अच्छे से दें और ऊपर की जो प्लाई है वो आधा इंच कम से कम डालें, क्योंकि इसके बाकी का कोई सपोर्ट होता नहीं है, तो पतली प्लाई ना डालें बिल्कुल भी। इस तरह से इसको पूरा है वो काम पूरा करना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। अभी इसको देखिए मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। ये जो है ये देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा उठाया और ये अंदर दूसरी साइड से जो ये है इसको भी थोड़ा सा उठाया और ये अंदर। अब देखिए इसको हम जो ये ट्रॉली है इसको हम अंदर डालेंगे, ये हो गया, ये देखिए ये बिल्कुल फिट हो गई अपनी जगह पे। अभी इस बाहर निकालते हैं तो ये जो व्हील है ये देखिए ये आके फंस गया, अभी और आगे नहीं जा पाएंगे, ये व्हील एक दूसरे से आके आमने सामने टकरा गए। तो ये चीज़ें हैं इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो व्हील जो है इसके दोनों व्हील है वो ट्रॉली पे ही जैसे एक उस पर इधर लगाए दूसरा इधर लगा देते हैं, दोनों एक पे लगा देते हैं, फिर बाहर रोकने के लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये व्हील जैसे जैसे देखिए अंदर ये वाला व्हील जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा ये वाला व्हील ही इसके यहाँ पे आ जाएगा जब बंद होगा, तो ये चीज़ कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और ट्रॉली है वो ऐसे में इतनी हिलेगी नहीं। और एक बात और, इसको जब भी रखें तो जो अपना जगह है व्हील उसको काट करके कम से कम एक डोरा जरूर है वो ज़्यादा रखें, ताकि ट्रॉली है वो आराम से अंदर जाए, फंसे ना। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।